कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो, या यूं कहें कि मेगा रोड शो, बहुत सफल माना जा रहा है। आइए इसकी कुछ ऐसी अनकही बातें शेयर करते हैं जो कि जिन पर ज़्यादा लोगों की निगाह नहीं गई। सबसे पहले तो जैसे ही एयरपोर्ट से ये काफिला चला और थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि लगभग 3 दर्जन के आसपास लोगों ने ये बताया कि किसी का पर्स चोरी हो गया है, किसी का मोबाइल चोरी हो गया है। इस तरीके की घटनाएं घटनी शुरू हुई। उसके बाद आलमबाग मवैया होते हुए जब ये रोड शो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहाँ पर ये रथ भी ख़राब हुआ। आनन फानन में कार एक मंगाई गई, बड़ी कार, जिसके ऊपर राजबब्बर समेत सब लोगों ने बैठ करके फिर आगे की यात्रा शुरू करी। नॉवेल्टी चौराहे के पास शर्मा की मशहूर चाय इन सब लोगों ने पी और वहाँ पर काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि रूट को लेकर के भी वहाँ थोड़ा सा चर्चा हुआ, क्योंकि सिंधिया कहने लगे कि नगर निगम की तरफ से चलेंगे, लेकिन SPG ने बताया कि हजरागंज होते हुए का रूट निर्धारित है, वहीं से आपको जाना है। नॉवेल्टी चौराहे पर ही चौकीदार चोर के नारे राहुल गांधी ने लगवाए। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर हालांकि लोग बड़ी बेसब्री से प्रियंका को सुनने के लिए बेताब थे, लेकिन प्रियंका ने कुछ नहीं कहा। हाँ, राहुल गांधी ने जरूर कमान संभाली और कांग्रेसियों को टिप्स दिए कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में किन किन बातों का, बीजेपी की किन बातों का जवाब है कांग्रेस के पास और किन बातों को लेकर के आगे चलना है। कांग्रेस मुख्यालय में ही इन्होंने आज मीडिया सेंटर राजीव सभागार का भी उद्घाटन किया और जैसे ही ये रोड शो और ये प्रेस ख़त्म हुई, वैसे ही हवा एक चली कि ED की कार्रवाई जयपुर में है, इसलिए प्रियंका गांधी जा रही हैं, जयपुर वापस जा रही हैं, कल सुबह वापस आएंगी। इस तरीके की बातें चली और शाम होते होते ही सारे नेता चले गए। एक और रूप नगर निगम का भी देखने में आया कि जैसे ही ये रोड शो समाप्त हुआ, माल एवेन्यू से सब नेता निकले, तो नगर निगम लखनऊ ने भी कोई देर नहीं लगाई। आनन फानन में सारी होल्डिंग्स जो माल एवेन्यू से लेकर हजरतगंज में लगी हुई थी, तुरंत उनको उतारने का भी काम किया। अब ताज़ा जानकारी यह है कि 12 जनवरी को दोपहर एक बजे प्रियंका जयपुर से वापस लौटेंगी, क्योंकि प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा की ED के सामने सुनवाई है जयपुर में। तो ये माना जा रहा है कि ED की सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा को अपने साथ लेके जाएंगी प्रियंका और उसके बाद आएंगी। हालांकि ये प्रोग्राम पहले से नहीं था और अचानक आनन फानन में ED की कार्रवाई को देखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया। साथ ही आप कुछ देख रहे हैं, कुछ विशेष तस्वीरें हैं जो कि हमने क्लिक करी हैं और रोड शो के दौरान एक जगह तो कानपुर रोड पर एक आइसक्रीम वाले ने एक आइसक्रीम का कोन उछाल कर फेंका। प्रियंका ने फूलों की तरह, मालाओं की तरह, जैसे वो कैच कर रही थी, उस आइसक्रीम कोन को भी कैच किया और कैच करके अपने भाई राहुल गांधी को दे दिया। पूरे लखनऊ में ये रोड शो करीब 14 किलोमीटर का था, 5 घंटे लगे इस रोड शो में, लेकिन चर्चा पूरे देश में रही, पूरे राजधानी लखनऊ में रही। हर एक आदमी ये जानने के लिए उत्सुक था कि इनका रोड शो कैसा रहता है, कितनी भीड़ उमड़ती है। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये रोड शो बहुत ही कामयाब रहा और कांग्रेसियों के अंदर भी एक नई उत्साह और ऊर्जा का संचार कर गया। लेकिन UP वाले भी कम नहीं हैं, वो अभी इनका हाथ हिलाना देख रहे हैं, भाई बहन की जोड़ी देख रहे हैं और जैसा कि भीड़ में हमने चर्चा सुनी, आगे ये भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होती है कि नहीं होती है, ये प्रियंका और सिंधिया के कार्य करने की शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस प्रकार की ये रणनीति बनाते हैं। हालांकि 14 तक ये लोग, दोनों लोग यहाँ पर हैं और अपने बूथ के, वार्ड के सभी लोगों से ये मिलेंगे। आइए देखते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। करते हैं, पहले नरेंद्र मोदी जी जो भाषण करते थे, 56 इंच की छाती यूं, आजकल नरेंद्र मोदी जो भाषण करते हैं, भाइयों बहनों 5.6। मैं अनिल अंबानी को नहीं जानता, मैंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। वायुसेना के लोगों ने ये नहीं कहा कि मैं पैरेलल नेगोशिएशन करता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बोला कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को देते हैं।
मोदी जी के अंदर जो खोखलापन था वो पूरे देश के सामने आ गया है। पूरे देश को, देश के युवाओं को, देश के किसानों को मालूम है कि चौकीदार चोर है। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इश्यूज है। आप भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हो बोलो चौकीदार चोर। आप किसानों की बात करना चाहते हो तो बोलो चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ 15 लोगों का किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। आप रोजगार पे बोलना, रोजगार पर बोलना चाहते हो बोलो नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ बोला, युवाओं से चोरी की और अपने मित्रों का फायदा किया। आपके पास इश्यूज की कोई कमी नहीं है। आप खाली आगे बढ़ो, दबा के कांग्रेस पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ो और देखो उत्तर प्रदेश में क्या होता है।